शांति। ये ज्ञान का खजाना देने के लिए भगवान को आपके ऊपर बहुत अभिमान है। अपने बच्चों से कहा, जाओ मेरे बच्चों को जा करके ज्ञान और योग से सजाओ, तो बिगर खर्चा किए आपके ऊपर दयालु पिता ने कितनी कृपा की। घर बैठे ऐसे रत्नों को भेजा जो आपको ज्ञान और योग से माला माल करते, तो कितने खुश किस्मत हैं आप। बाकी खजाने सब मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, यह हर जगह नहीं मिलता। तो बाबा ने जो हम सबका बाप है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हम सभी का पिता है। यहाँ रियलाइजेशन कोर्स होता है। हम ये सबसे पहली बात यह रियलाइज करें कि हम परमात्मा के बच्चे, हम ईश्वर की संतान। जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है, बोलता है आओ 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 आओ, क्या बोलता है, यही बोलता, मैं आपको हूं, मैं आपको हूं, मैं आप गर्व की मुसीबत गर्व से निभाई करो बाहर मुझको ये प्रभु ने। गर्व में बड़ी वंदना करता है, हम आप सभी गर्व जेल झेल करके आए। प्रभु से प्रॉमिस किया था गर्व जेल कि हमें एक दफा बाहर निकाल दो, हम हमेशा हमेशा आपका ही ध्यान। हमने भगवान से गर्व जेल में वादा किया था कि इस जेल से हमें निकाल दो, हम आपको कभी भी नहीं भूले। आपको याद है गर्व में तो हम कभी नहीं जाए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बहुत वायदे किए थे भगवान से। ईश्वर हमारा पिता है, यह हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया वो तो है ही, लेकिन आत्मा का पिता तो परमात्मा है ना। ये शरीर को जन्म देने वाले माता पिता है, लेकिन मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, एक स्टार हूँ, बिंदु हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। अभी भी आत्मा में निकल जाऊँ से शरीर से तो डेड बॉडी, कितने भी प्रिय लोग होंगे वो भी हमको फेंक देंगे, कहने जाते टाइम हो गया रात हो गया जल्दी हमको घर में कोई बिल्ली लोमड़ी मर जाएगी उसमें लोग घास फूस भर करके ड्राइंग रूम में रख लेते सजावट, हमको क्यों नहीं रखते, हमको भी घास फूस भर करके रख लेते, क्यों नहीं रखते लोमड़ी को रख लेते, लेकिन हमको नहीं रखते, हमको बाहर निकालते। आप सोचिए ये जो हम चमड़ी पहने हुए हैं ना, है निकाले धुलाई करेंगे, कपड़े धुलाई करेंगे, सब सोफे के कपड़े वपड़े सब पहनते हुए करेंगे धुलाई करो, अशुद्ध हो। विचार करो जिनके संग में हम रह रहे हैं, जो हमारे माता पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, भाई हैं, सब इनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो है तो टेम्परेरी। ये नाटकशाला है, ये एक मंच है, ये एक स्टेज है, इस मंच पर हम सब एक्टर पार्ट प्ले करने के लिए आए। आप पूछिए वो एक्टर जो पार्ट प्ले करते हैं, वो पति बनता, वो पत्नी बनता, बच्चे बनता, सास बहू बनते, सब बनते हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट नहीं होता। यहाँ हम सब फंस गए इस बंधन, और इस बंधनों में रिश्ते
रिश्तेदार में आप ये ना समझ लेना हम रिश्तेदार नहीं छोड़ा है, हम तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, आपको ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हम कौन है? हम एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ आने वालों को यह रियलाइजेशन कोर्स ही पढ़ाया जाता है, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो और तुम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। जितना इनको सबको याद करते हैं उतना उनको भी याद। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, शिव बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ। देखिए शिव बाबा तो कितने सुखों की बरसात करता है, सुखदाता तो वही है। आप लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, इसलिए कि भगवान की हमारे पर मेहर हो जाए और धन भी आवे, संतान भी आवे और सुख भी रहे, किसी प्रकार का दुख दुख व्याधि ना आवे हमारे पास। इसीलिए तो लोग परमात्मा को याद करते। सब हम अब हम जान गए कि परमात्मा हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। सारी दुनिया सुख शांति की भीख मांगती है, उनको पता नहीं है कि भगवान हमारा पिता है। कहने को गीत तो कह लेते हैं, तो मात पिता हम बच्चे तेरी तेरी कृपा से सुख बने रे आरती में तो रोज बोलते, लेकिन रियलाइजेशन रियलिटी में क्या है? हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है। शिव बाबा हमारा बाप है, सारे सुखों का खजाना उसके पास है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ता। अभी तक तो पूजा पाठ करते भक्ति करते केवल आरती मात्र में कह देते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु प्रैक्टिकल में उसका बच्चा बनना पड़ेगा। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई उसके बच्चे कहा वो तो है ही है, भाई बहन जी आया करो थोड़ा टाइम निकाल के, बहन जी फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आदमी को डॉक्टर भेजना है, चौका बर्तन खाना पीना है, सब ऐसा हम करते हैं, हम चुप कर जाते हैं। अरे कुछ भी हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए, अपने घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए, अगर हम 15-20 मिनट के लिए सेवा केंद्र पर आकर के योग की साधना करें और इस ज्ञान योग को सीखें तो हमें बहुत लाभ होगा। इसीलिए आप ये ज्ञान योग सीखें, जैसे भोजन रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, चाय रोज, ये भी हमारा भोजन है। ज्ञान और योग की हमारी खुराक है, हमारा भोजन। एक टाइम खाना चाहे ना मिले, लेकिन हमको ज्ञान का भोजन जरूर मिलना चाहिए। बाबा रोज नई नई बातें बताते, शिव बाबा मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, उसमें एक दो बातें ऐसी होती हैं जो मेरे मन के अनुकूल होते हैं, हम उसको सहज ही जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, धारण। तो भगवान जो है हमारा माता पिता तो है, लेकिन वो शिक्षक भी है, वो इस समय आया हुआ है और हमको वो शिक्षा देता है, पढ़ाता है। आपको अपने बच्चों से कितना प्यार है, अगर नहीं जाता है स्कूल में तो मार के पीट के पकड़ के खींच के भी ले जाती है, स्कूल में जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई ये भगवान भी हमको पढ़ाता है, वो भी शिक्षक है, वो भी हमारा मास्टर है, टीचर। तो ये पढ़ाई माँ बाप बच्चों को सभी को पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो छोटे छोटे जिनके नंदे लगन के वो स्कूल भी जाते लेकिन क्लास भी करते, पढ़ाई में इतने होशियार हो गए कि अच्छे अच्छे कोई लेफ्टिनेंट बन गया, कोई काम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे। तो इस पढ़ाई में पढ़ाई को पढ़ने के लिए आने के लिए नुकसान नहीं होगा, फायदा बहुत हो। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये लाभ बहुत हो। दूसरी बात, इस ज्ञान योग को पति सीखेगा, पत्नी सीखेगी, बच्चे सीखेंगे, उनका घर तो यही स्वर्ग बन जाए। भगवान आया है ये सुखमय जीवन बनाने के लिए, वो ऐसी बातें बताता है जिसको जीवन में धारण करके हम इसी जन्म में देवता बन जाए। बाबा क्या बन है?
गुरु नानक ने कहा मनुष्य से देवता की है कल्पना लागी बात, भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य को देवता बनाता है। और कोई भी साधु संत महात्मा गुरु शिवाचार्य जो भी है वो अपने जैसे ही बनाते हैं, भगवान जब आता है तो अपने जैसा बनाता है। बच्चों मेरे बच्चे कैसे सुखमय जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करें, तो सुख की बातें बता रहे, कहता मुझे याद करो तेरे 63 जन्मों के पाप खत्म होने, मामे तुम याद करो सर्व धर्मान बनते मामे तुम शरण, ये बहुत सस्ता सौदा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। सवेरे आंख खुलती है पहले बाबा को धन्यवाद दो बाबा, पता नहीं रात को कई लोग ऐसे मर जाते हैं, पता नहीं कोई चोर आ गया तो मार के प्राण निकले तो निकले, श्वास आया ना आया, सवेरे उठ के पहले शिव बाबा को धन्यवाद दो बाबा आपने नया जीवन दिया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सब शिव बाबा के बच्चे परमात्मा की संतान, भगवान इस व्यक्ति पर आते हैं और आप भगवान के बच्चे घर में लौकिकता में किसी का बाप खो जाए बच्चा खो जाए जब वो मिल जाता है तो कितने खुश होते हैं। अब इतने दिनों से हम इस सृष्टि पर आए हुए हैं और हम भगवान से मिलने के से वंचित थे, अब मालूम हुआ कि भगवान परमात्मा हमारा पिता पारलौकिक पिता आत्मा का पिता वो इस सृष्टि पर इस भारत भूमि पर आ चुका है आया हुआ है। ये भारत भूमि भगवान की अवतरण भूमि है, ये बड़ी पवित्र भूमि है, देश विदेश के लोग आते हैं भारत में तो कहते हैं हम उन पुनीत पुण्य भूमि पर आए हैं, तीर्थ समझते हैं भारत को तीर्थ स्थान है, क्यों क्योंकि परमात्मा की अवतरण भूमि। देखो बहुत सारे लोग जाते होंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, भक्त बहुत जाते होंगे, हम भी जब जाते थे तो एकदम उन्होंने पूछा रोज हम शिव की पूजा करते थे मंदिर में जाके दूध चीनी और पैसा रुपया ले जाते चढ़ाते थे, पर ये नहीं समझते थे कि क्या चीज है। जब एक दिन ज्ञान पढ़ा जा करके क्लास में गए तो फिर उसका पढ़ने जिससे पूछा हमने ये जो शिवलिंग है ये कहाँ रहते हैं, ये जिनका चित्र है ये कहाँ रहते हैं हमको बताओ। वो कहते ब्रह्मा कुमारी के यहाँ गए थे क्या, कहते बस दिमाग खराब वहां जाने वाले लोग ऐसे ही हो जाते। तो भक्ति में ये है क्वेश्चन नहीं करो, जो कुछ कहे मानते रहो चाहे कोई भी हो, भक्ति में तो ये है उठा के ले गया पीछे पीछे कटोरी लेके अरे भगवान घी तो लगा देना सुखी रोटी, भक्ति की उनकी भावना है ज्ञान नहीं, परंतु ज्ञान बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं तो लोगों ने मनुष्य को गुरु बनाया, गुरु बिना ज्ञान नहीं परमात्मा ही सब गुरु है, वही आकर के जब ज्ञान देते हैं कि तू शरीर नहीं है तू आत्मा और तू मेरे संतान है, मेरे घर में था तुमको मैंने सृष्टि रंगमंच पर भेजा था कि जाकर के अच्छा अच्छा पाठ लेकर, लेकिन मैंने यहाँ जो रचना रखी उसी में आपको बस भगवान को याद करने के लिए तो घर गृहस्थी छोड़नी नहीं पड़ती, अपना धंधा दोरी बिजनेस व्यापार सब छोड़ना नहीं पड़ता है, केवल उसको बुद्धि से याद करना है, प्यार से उसको याद करना है। और उनके जो महाभाग्य है वो जो ज्ञान का दाता है ज्ञान क्या देता है वो हमको सुन रहा है, अगर ज्ञान नहीं सुनेंगे तो फिर योग भी नहीं, योग भी टूट जाएगा याद भी नहीं आएगी। तो मैं उसकी जब संतान हूँ तो हमको ये रियलाइजेशन करने के लिए परमात्मा रोज पढ़ाता है और कहता है तुम मेरे बच्चे हो, अब बताओ कहाँ से आए हैं, उसी के घर से तो आए, शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, आखिर अंत में उसी के पास से हैं, धर्मराज जब लेखा मांगे क्या जब वो ये पूछेगा कि तुमको यहाँ हिस्ट्री भेजा तो मुझे जाकर भूल गए, अपने पास बच्चों में कस के नीचे म्यूजियम में चित्र बने हुए हैं बड़े अच्छे कि कैसे हम भूल जाते हैं, पहले तो बच्चों के साथ खेलते हैं जो दासी के पास है उसी को मान समझते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं जो बड़े हो जाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, नौकरी में चले जाते हैं दफ्तर की याद रहती है, बदलते जाते हैं,
व्यक्तियों का परिवार भी सुख में बन जाएगा। ज्ञान तो अच्छी बात है, ज्ञान जो ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन कोई नुकसान गलती करता है तेरे को ज्ञान नहीं करके, तो सबसे पहले बोलते तेरे को ज्ञान नहीं करके, ऐसे नहीं करना है। तो परमात्मा हमें वो ज्ञान दे रहा है बिगर बॉडी खर्चा के सब कुछ मिलता है, इससे और अच्छा क्या है।